अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस जिस पे हमने कुछ हैंड से भी इस पे वर्क किया है सितारे का, और इलास्टिक मैंने इसमें यूज़ की है, और वन स्लीव्स इसका स्टाइल है। कुछ काफ्तान लुक में इसको हमने रेडी किया है। बहुत प्यारी सी ड्रेस है और प्रिंटेड कपड़े पे मैंने इसको ट्राई किया है, कॉटन के लीलन फैब्रिक पे। आप पूरा ऑल ओवर प्लाजो के साथ या ट्राउज़र के साथ इस तरह इसको वियर कर सकते हैं। इसका जो स्टाइल है तो एक साइड में से ये नीचे है, नीचा है, और दूसरी साइड से ये ऊंचा है। तो फ्रेंड्स, हम इसकी मार्किंग कर लेते हैं और इसको स्टिच कर लेते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। लाल बटन दबा के आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो कपड़े की विड्थ है हमारे फैब्रिक, ये मैंने 2 मीटर लिया है। अगर आप सिर्फ इसमें से ये बनाना चाहते हैं तो आपको 2.5 मीटर लेना होगा। मैंने स्लीव्स के लिए प्लाजो में से कपड़ा बचा लिया था। तो ये इसकी फुल लेंथ है। ये यहाँ हम एक इंच छोड़ देंगे सिलाई मार्जिन के लिए, और यहाँ पर मैं इसका एक यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं 25 इंचेस पे। अभी हम स्लीव्स का सिर्फ आइडिया ले रहे हैं इसमें, उधर का शोल्डर कट करने के लिए। तो इस तरह देखिए, आपको इसमें मार्किंग करनी होगी 25 इंचेस। मैंने इसको छोड़ा है 25 इंच, और उसके बाद यहाँ से मैं ये देखिए, यहाँ से मैं इसको ऐसे लिया है मैंने ये, और यहाँ पे से 6 इंच मैं ले रही हूँ। इसको इस निशान से मिलाना है, तो हमें यहाँ से 13 इंच चाहिए। तो ये आ गया हमारा 13 इंच पे। आप अगर इसको डीप पहनना चाहते हैं तो 14-15 तक कर सकते हैं, 15 से ज़्यादा नहीं करें, वरना ये पहनने में भी नहीं आएगा आपका। अगर आप थोड़ा ओपन लुक में चाहते हैं तो 14-15 भी रख सकते हैं। अब ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसको हम कट कर देते हैं। तो यहाँ मैंने मार्क कर लिया है ताकि हमारा कपड़ा बिल्कुल एकदम सीधा कट जाए। इस तरह जो एक्स्ट्रा है हमारा फैब्रिक, उसको मैं इसमें से कट कर दूँगी। तो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा कट हो गया है। अब हमें यहाँ से इसको इस शेप में कट करना है। बहुत ही अच्छा डिज़ाइनर है ये, आपको एकदम बहुत ही डिफरेंट लुक देने वाला है। आप इसको ट्राई कर सकते हैं, और आप इसको स्टेप के साथ भी बना सकती हैं। स्टेप लगाकर मैं इसमें स्लीव्स ऐड करूँगी। तो ये देखिए, इस तरह आप अपनी शर्ट से इसको मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ से हम अपनी फिटिंग का नाप देते हुए शेपिंग देंगे। और हम इसको भी यहाँ से कट कर देंगे। थोड़ा सा हम इसमें ढाल दे रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा। तो ये हमारा फ्रेंड्स पूरा हम इसको स्टिच करेंगे। यहाँ हम सिलाई के लिए निशान लगा रहे हैं, तो यहाँ आपको इसी निशान पे सिलाई करनी होगी। इसको हम उल्टा करके स्टिच करेंगे। ये हमारा फैब्रिक सीधा है, मार्किंग हम सीधे पे ही करेंगे। हमने कपड़े को सीधा बिछाया हुआ है, देखिए मैंने कुछ इस तरह साइड से इसको मार्क कर लिया, और इसकी कुछ इस तरह से आड़ा है ये डिज़ाइन। ये इसकी लॉन्ग साइड है, और ये शॉर्ट वाली साइड है इसकी जो ऊंची रहेगी। तो फ्रेंड्स, आप इसको कुछ इस तरह समझ सकते हैं, ये लॉन्ग वाली साइड है।
तो देखिए, अब हमने एक साइड मार्किंग कर ली थी, अब हम दूसरी साइड भी इसकी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ वो हमने एक आइडिया लिया था, अब हम यहाँ स्लीव्स के लिए छोड़ रहे हैं 17 इंचेस, और यहाँ से आर्म होल के लिए जो हमारा हाथ इसमें से निकल सके आराम से, इसके लिए हम 7 इंच यहाँ पे छोड़ देंगे। तो हमें जो इसकी स्टिचिंग करनी होगी, सिलाई, वो इसको छोड़कर करनी होगी। अब यहीं से आप अपना इधर की भी शेपिंग दे लें। इस तरह आप इसमें यहाँ पे भी शेपिंग डाल सकते हैं। तो ये देखिए, हमने यहाँ शेपिंग डाल दी है इस साइड भी, तो ये कुछ इस तरह का हो गया। ये हमें पूरा एंड तक स्टिच करना है, यहाँ तक, और वो हमें सिर्फ वहीं तक रोक देना है हिप लाइन तक। दूसरी साइड में हमें बस चेस्ट, वेस्ट और हिप लाइन तक ही इसको लेना है। तो यहाँ मैंने वेस्ट का निशान लगाया, और आप अपने नाप के अकॉर्डिंग, अपनी कमीज़ के अकॉर्डिंग इसको मेजरमेंट ले सकते हैं। यहाँ हमें इस तरह इसका छोड़ देना है स्लीव्स का, और यहीं से हमें यहाँ की सिलाई लगानी है पूरी एंड तक। तो यह फ्रेंड्स समझ सकते हैं, कुछ इस तरह आप इसको देख सकते हैं। तो हम इसकी स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। तो ये प्लाजो की साइड में से बचा हुआ फैब्रिक है, तो मैं यहाँ 30 इंचेस ले रही हूँ, क्योंकि हमारा जो स्लीव्स है वो शोल्डर पे आएगा पूरा, उसी का हमारा शोल्डर हो जाएगा। और स्लीव्स में हमें नेफा भी बनाना है इलास्टिक के लिए, और नीचे भी फोल्ड करना है, इसलिए मैंने इसमें एक लॉन्ग स्लीव्स ली है। तो कपड़े को इस तरह कट करके और ज्वाइन कर लेंगे, या हम इसको इस शेप में काटेंगे। स्लीव्स जो है इसकी वो गोलाई में नहीं कटेगी, ये इलास्टिक के लिए हो गया हमारा। अब हम स्लीव्स की यहाँ बॉटम काट देंगे, इसका जो गोलाई है, तो आप 9 से 10 इंच ले सकते हैं। जब उसमें आप इलास्टिक छोटी भरेंगे तो वो चुन बहुत अच्छे से आपकी आ जाएगी। इस तरह शेप देते हुए इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो हमें इस तरह स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। अब हम इसकी सिलाई लगा लेते हैं सबसे पहले ऊपर। ये देखिए, हमारा ये जॉइंट वाला फैब्रिक पता नहीं चल रहा, इस तरह आप प्रिंटेड कपड़े में जॉइंट भी डाल सकते हैं। और यहाँ हम इसको इलास्टिक के लिए फोल्ड करेंगे। तो यहाँ हमने इसको फोल्ड कर लिया है। अब हम इधर भी स्टिच कर लेंगे, इसको भी आपको सिल लेना है बारीक किस तरह मोड़ के। ये हमने सिलाई भी लगा ली है, ऊपर हमने रेडी कर लिया है इसका नेफा। अब हम यहाँ इसमें इलास्टिक डालेंगे, जो आप 10 इंच की ले सकते हैं, और फिर आपका सिलाई का मार्जिन हटाने के बाद वो आपकी शोल्डर पे एकदम ठीक आएगी। इलास्टिक डालने के बाद दोनों कोनों पे सिलाई लगा लें इलास्टिक को रोकने के लिए पहले। अब हम इलास्टिक थ्रेड लेंगे और बॉबिन में इसको भरेंगे, और इसका जो स्क्रू है उसको हम लूज़ करेंगे, जिससे ये आसानी से सिल जाएगा। ऊपर हम अपना नॉर्मली धागा रखेंगे, और यहाँ पे मैं इसी तरह एक पैर की सिलाई का मार्जिन देते हुए कई सारी लाइंस बना लूँगी। तो ये देखिए, इस तरह हम इसको रेडी करेंगे। तो ये हमारा एक कफ स्टाइल में इलास्टिक थ्रेड वाला स्लीव्स रेडी हो गया है। अब हम इसका नेक रेडी करेंगे। तो मैंने इसको इस तरह खोल के रखा है, और यहाँ मैंने ली है ये ओरेबी पट्टी। तो हमें दो पट्टियों को इस तरह रखना है, और पहले हम इनको जॉइंट करेंगे। तो ये हमने जॉइंट लगा ली है, अब हम इसको इस तरह सेंटर का सेंटर में सिक्योर करके और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमने लगा ली है, और सेंटर में नॉचेस भी लगा लिए हैं। अब इसको इस तरह हम अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे इस पे भी। तो ये देखिए, ये हमने यहाँ अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। फिनिशिंग से ये हमारा नेक रेडी हो गया है। अब हम इस पे लेस ऐड करेंगे।
तो ये वही लेस है जो मैंने प्लाजो में यूज़ की थी। तो मैंने यहाँ इस पर लेस ऐड कर ली है और मैंने इसका जो 1 इंच मार्जिन छोड़ा था तो मैंने यहाँ सिलाई भी लगा ली है। और हमने इसके किनारे पे सफ़ेद वाला सिल्वर कलर का सितारे का वर्क किया है, उसको हैंड निडल से मैंने लगा के भी बता दिया है, आप देख के इस तरह लगा सकते हैं। और ये दोनों साइड होल हैं इसके सितारे के, अगर आपको एक साइड होल वाला मिल जाए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, आप वो यूज़ कर सकते हैं। इस तरह ये आपका एक डिफरेंट वर्क हो गया, जिसमें ना आपने मिरर यूज़ किया है ना आपने पर्ल यूज़ किए हैं, और ये डिफरेंट तरीके से हमने इसको डेकोरेट किया है। और ये मैंने इसके 3 साइड पूरे लगाए हैं, एक साइड से हमारा ये स्टिच है और बाकी के 3 साइड मैंने ये लगाए हैं इस तरह नॉट बना के। ये हमारा कंप्लीट हो गया, देखिए बहुत ही डिसेंट सा लग रहा है ये। अब ये हमारी टोटल लेंथ सिलने के बाद, इसका फोल्डिंग के बाद हो गई है 16.5 इंच, और 7.5 पे हम इसको यहाँ से स्लीव्स लगाएंगे। तो अगर यहाँ से आपकी स्लीव्स की कटिंग कम हो तो उसको थोड़ा बढ़ा लें। ये आपका इलास्टिक का हो गया, सिलाई के मार्जिन में भी जाएगा भी आपका अंदर इस तरह। दूसरे स्लीव्स का दूसरे में ज्वाइन कर दें और यहाँ सिलाई लगा लें आप। तो यहाँ मैं टोटल इसको 7.5 इंचेस पे ले रही हूँ, अगर आप थोड़ा ओपन चाहते हैं तो इसको 7 पॉइंट ले सकते हैं। तो इस तरह मैं इसके ऊपर रख के स्टिच कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ स्टिच कर लिया है। सेम ही हम इसको जितना इधर छोड़ा है उतना ही हम बैक के लिए इस तरह सेम यहाँ रख के इसको भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए दोनों ही साइड से हमारा ये बन गया है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा काफ्तान लुक में एक ड्रेस डिज़ाइन है। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ, ये पूरा हमने इसको लास्ट तक सी लिया है, एक साइड से हमारी पूरी ही सिलाई हो चुकी है। अब मैं आपको सीधा करके भी दिखा देती हूँ इसको, हमारा स्लीव्स जॉइंट हो गया है, एक साइड में स्टिच हो गई है, ये देखिए यहाँ साइड में पूरा स्टिच हो चुका है। अब हम इस पर अपनी शर्ट को फिर से रख के एक बार इसका सही मेजरमेंट चेक कर लेते हैं। इसी हिसाब से हम यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि स्टिच करते करते हमारी मार्किंग भी हल्की हो गई है, तो हम यहाँ पे अच्छे से इसको चेक कर लेते हैं हमारा चेस्ट का क्या साइज़ है। सेम साइज़ पे मार्क करेंगे और पूरा हिप लाइन तक इसको हम लेके जाएंगे। यहाँ मैं इसको कमर पे से 2 इंच लूज़ रखूँगी, क्योंकि हम इसको भी इलास्टिक थ्रेड से स्टिच करेंगे तो ये हमारा चुन में चला जाएगा। आप चाहें तो सेम भी रख सकते हैं यहाँ से, बिल्कुल सेम अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। या हम स्केल से मार्किंग कर लेंगे कमर की साइड, सेम कपड़े को उल्टा करके इधर भी मार्क कर लेंगे। ये सारे मार्क हम फ्रंट साइड पे करेंगे कपड़े की, क्योंकि अब हमें कपड़े को उल्टा नहीं करना है, ऊपर से ही सिलाई लगानी है इलास्टिक थ्रेड की भी, और हमें इसकी चेस्ट से लेकर हिप तक। तो यहाँ मैं इसकी वेस्ट में लगा रही हूँ कमर में इलास्टिक थ्रेड से सिलाई, ये देखिए और भी खूबसूरत लगने लगा है। और हमने इसको यहाँ से चेस्ट से लेके हिप तक इस तरह अपने नाप के अकॉर्डिंग सिलाई लगा दी है। और लास्ट में हम इसके गले को भी सितारे लगा के डेकोरेट करेंगे। ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा ड्रेस हमारा रेडी हो गया है, डिसेंट सा, और आपका ये लोवेस्ट प्राइस में रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।